2 अगस्त 2013। थोड़ा लेट में, लेकिन हम लोग आज बहुत खुशी का बात है कि हम लोग अपना चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर नॉर्थ का ऑफिस में हमारा असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर श्री सेठी बाबू का फेयरवेल ऑर्गेनाइज किए हैं, और हम लोग बहुत खुशी है कि सेठी बाबू बहुत सिंसियर आदमी थे और उनका फेयरवेल आज हो रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग का बहुत खुशी है, आज हमारा सेठी बाबू रेलवे को 2005 जनवरी महीने से सर्व कर रहे हैं और बहुत सिंसियर वर्कर है, उनको सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है। सारा साउथ ईस्टर्न रेलवे जानता है कि इज ए वेरी सिंसियर ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन है, और मैं खुश हूँ कि हमारा मिस्टर हालदार ऑर्गेनाइज किए हैं ये फेयरवेल और हमारा नॉर्थ कॉलोनी ऑफिस में, और हमारा उत्पल मुखर्जी जी और नलिनी दीदी जी, हम लोग सब मिलके राजू इधर आ जाओ, इस साइड में खड़ा रहो, नहीं तो पीछे पीछे खड़ा रहो, इधर नहीं आए, पीछे आना पड़ेगा, बताए हर चीज में बहुत पार्टिकुलर है। जैसे फाइल, एक तो ऑफिस फाइल कैसे बनना चाहिए, उसका फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हर रूल रेगुलेशन में ये मास्टर थे, उनको कोई किताब देखना नहीं पड़ता था, सब रूल रेगुलेशन उनका मेमोरी में था, हर कोई फाइल बनाने का पहले उनको, हम लोग कोई भी प्रॉब्लम होने से उनको पूछते थे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, और इन्होंने उसको तुरंत सोल्यूशन कर देते थे। कभी उनको कोई प्रॉब्लम देने से वो पूछने नहीं आते थे कि ऐसे सोल्यूशन कैसे करूँगा, हर प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन थे। कोई भी प्रॉब्लम उनको दे दीजिए, भले कि अस्पताल का बायोमेडिकल वेस्ट फाइल हो, या कॉलोनी का गार्बेज क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट हो, या साउथ कॉलोनी का प्राइवेटाइजेशन सफाई का प्राइवेट मामला हो, कोई भी प्रॉब्लम जब उनको देते थे, या हॉस्पिटल में इतना स्टाफ कम है, कम स्टाफ में कैसे हॉस्पिटल मैनेज करेंगे, इनका हर चीज का सोल्यूशन ये थे। हाँ, अभी जब एचओ का भी छुट्टी वो होती थी उस समय में सीएमडी ऑफिस में, इन्होंने उसको भार संभाल देते, कभी ऐसे नहीं बोले कि मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा, और कभी उनको मुंह में ऐसे नहीं आए कि सर ये मेरा हाथ में नहीं होगा, हर चीज को स्पोर्टिवली लेते थे, हर चीज को बड़ा अपना समय टाइम टेस्टेड तरीका से उसको सॉल्व करते थे, और सब नियम कायदा कानून से उसको ठीक करते थे। अभी हम लोग उनको रिटायरमेंट के बाद नहीं पाएंगे, हम लोग का सबका मन में दुख है कि ये जो उनका जो कार्यभार कौन उनको इतना अच्छा से संभालेगा और करेगा। हम मिस्टर सेठी बाबू का कल्याण कामना करते हैं, भविष्य में उनका भविष्य उज्ज्वल हो, उनको बच्चे लोग ऑलरेडी अच्छा सेटल्ड हैं, उनको और तरक्की हो, और इनका भी जैसे अभी शरीर स्वस्थ है, अभी कोई भी देखने में उनको ऐसे सोचेगा कि 40 साल का उम्र है, उनको ऐसे ही स्वस्थ रहे और मानव सेवा उनका जारी रहे। धन्यवाद। बोलिए हल्दर जी, आप हम नेक्स्ट सीनियर है ना, नलिन दीदी सीनियर है, नहीं बोले नहीं, नेक्स्ट सीनियर है, हेल्प इन आवर ऑल आवर जॉब्स इन एब्सोल्यूट एज और रिटायर्ड इन सीएमडीज ऑफिस, ही यूज्ड टू कम एंड हेल्प अस, गाइड अस इन सेंडिंग आउट द फाइल्स एंड प्रोसेसिंग द फाइल्स, सो इट वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज दैट जॉब till the next day HO was going to be appointed. And I also personally learned many things from him regarding his neatness of work and proper maintenance of records and files. And he was my colleague as a group B officer. We used to work together, discuss together. So I also miss him very much now that he has taken it. Thank you. Haldar ji. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, डॉक्टर सावंत राय, नलिनी जी एंड माय कॉलीग ऑल
and also Mr. Sethi, जो रिटायर होने हो गया है 31 तारीख को, हम लोग थोड़ा देर कर दिए हैं ये उसको स्वागत करने के लिए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और डॉक्टर सामंतराय ने ये उद्योग लेने के लिए हेल्प किया, बहुत अच्छा हमको लगा है। और सेठी बाबू से बहुत कुछ सीखने का था, तो अगर लोकल में रहता तो बहुत अच्छा होता। ये है कि ये देश में चले जाते हैं फिर भी टेलीफोन से हम लोग कॉन्टेक्ट करेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखने का है, उनसे अभी भी बहुत कुछ सीखने का रह गया है हम लोग को। डॉक्टर पटेल से हम लोग फ़ोन में बात करेंगे और बहुत कोऑपरेटिव है, काम तो नीट है ही है, आगे वक्त को जो रखे हैं वो लोग बताए हैं। तो हम लोग सदा प्रार्थना करते हैं कि सुखी शांति में रहे और हम लोग को थोड़ा मदद करें जब हम लोग इनका हेल्प मांगे तो। धन्यवाद। স্যার আমি একটা কথাই বলবো, সেটিবাবু খুব ভালো ছিলেন, স্যার খুব ভালো ছিলেন, এর থেকে আর মানে আমার এক্সপেরিয়েন্স এই কথাটার মধ্যে দিয়ে আমি খুব ভালো ছিলেন। বলো আপনি বলো, সবকিছু মিলে আরে ওয়াহ নেই মৌকা দে সকতে তো ইধর তো মৌকা দে সকতে বলনে কে লিয়ে সেটিবাবু কে বারে মে জলদি আ তুরন্ত জলদি আ তুরন্ত हमारे सीनियर डीएम है सी एच डी एम समुद्रा साहब और सी एच आई उत्पन्न और नंदी मैडम सिटी साहब जो हम लोग गुरु भी हैं, बहुत कुछ सीखे हम लोग आगे भी सीखते शायद वो रहते तो, लेकिन हम लोग का समय नहीं है, उनका रिटायर उनको जाना पड़ रहा है, अगर रहते तो शायद हम लोग आगे भी रहने बहुत सारा नया नया काम कर पाते, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका जो आदर्श बना हुआ है उस पर चलने का हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। हम लोग कोशिश करें कि वो जिस तरह से मेंटेनेंस करते थे, जिस तरह से चलाते थे, क्या जो थ्योरी था उनका, बस हम लोग भी उस पर अमल करें। और सबसे बड़ा बात है कि कुछ अभी दुविधा हम लोग का में है जो कि अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ न्यू कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चालू हो रहा है जो आज हम लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन सिटी में जितने भी दूर रहे हम लोग उनसे कॉन्टैक्ट करके उस पर जितने भी तरीके हैं वो सब जरूर सीखेंगे और हमें हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि ऐसे गुरु बहुत कम मिलते हैं सीखने के लिए, हम हमेशा याद रखेंगे उनको। जी बोलते रेस्पेक्टेड एसएबी हेल्थ रेस्पेक्टेड ये जो नॉलेज दीदी रेस्पेक्टेड जो सेज आई हमने हेल्थ इंस्पेक्टर को खड़ा हो अब मेरा कॉलेज सॉल्व करने के लिए आज आप मेरे को जितना उठाए वो हकदार हमने ये हकदार आप लोग ही है, आप लोग का सहयोग में हम इतना कोऑपरेशन से हम आज इतना तक उठा रहा हूँ और ये आश्रम दे रहा हूँ हम जो कुछ बनाया गया उसका काम चालू रखने के लिए, और कभी भी कुछ सहयोग पड़ेगा हम सहयोग का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अगर ड्यूटी है ऊपर में, अगर मेरा कर्मकत्व का ऊपर में कुछ कभी किसी को दुख पहुँचाया होगा मन थोड़ा नहीं पकड़े उनको दीदी का दिलाओ, मैं तो दिया हूँ, मैं काल दिया हूँ। अच्छा अच्छा आप मैं काल दिया हूँ। हाँ ये हाँ आपने जिम्मे काल दिया हूँ। हाँ वेरी गुड, अच्छा एक्साइड होते साइड के साथ बीच में आऊँ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी सब मिल के देंगे ये वाला। हाँ चलो आ जाओ, सब मिल के हाथ में देंगे, हाथ लगाएंगे। हाँ आ जाओ तुम भी आप। हाँ सब मिल के, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ वेरी गुड, ये हम लोग का खुशी, ये छोटा सा उपहार सेठी बाबू को। ये उपहार छोटा होने से भी वो बहुत कीमत कर चाहिए उपहार उपहार ही। चलो उपहार उपहार ही।
পড়ালেখা করা।